महोत्सव के आयोजन में शराब परोसे जाने का मामला सामने आया है। विपक्ष इसे जहां मुद्दा बना रहा है, वहीं संस्कृति मंत्री की दलील ने इस मुद्दे को और हवा दे दी है। क्या है महोत्सव का पूरा सियासी माजरा, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं पिछले दिनों हुए मेनपाट महोत्सव की। राज्य के शिमला कहे जाने वाले मेनपाट में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति विभाग यहाँ हर साल महोत्सव करता है। इस बार यहाँ अलग ये रहा कि मेला स्तर पर बाकी स्टालों के साथ बार की अनुमति भी दी गई थी। यहाँ पहुँचने वाले लोग नाच गाने के साथ शराब का भी लुत्फ उठाते नजर आए, लेकिन इस मामले में निशाने पर आए संस्कृति मंत्री ये दलील दे रहे हैं कि मेनपाट महोत्सव का आयोजन कोई सत्यनारायण की कथा नहीं थी जिसमें लोग भक्ति में लीन होते। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने तो मेनपाट महोत्सव की तुलना गोवा और थाईलैंड से भी कर डाली। सत्यनारायण की कथा में जैसे बैठे रहते हैं और उसमें पूरे वहाँ पर चालीसा पढ़े जा करके, तो ये तो सोचना गलत है ना। चाहे कोई गोवा जाता है, कोई उत्तराखंड जाता है, कोई थाईलैंड जाता है, कोई शिमला जाता है, तो क्या लोग वहाँ पर सत्यनारायण कथा करने के लिए जाते हैं? वैसे ही मेनपाट आए थे लोग, आयोजन का आनंद लेने आए थे और खूब लोगों ने आनंद लिया। इधर संस्कृति मंत्री के बयान के बाद विपक्ष मुखर हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राम वनगमन पथ में आने वाले इस ऐतिहासिक स्थल पर शराब बेचना सरकार की शराबखोरी को प्रोत्साहित करने की नीति का नतीजा है। जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम था वो प्रभु राम का वनगमन मार्ग रहा है और वहाँ के बारे में मुझे याद है कि जब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को बुलाते थे तो यही लोग कहते थे कि बाहरी कलाकारों को नहीं बुलाया जाना चाहिए। अब वहाँ पर कौन से कलाकार बाहरी, हमारा तो ये मानना है कि जो संस्कृति है वो अंदरूनी और बाहरी नहीं होती, वो देश की संस्कृति होती है, परंतु इसको भी उन्होंने बांटने की कोशिश की थी और आज दारू संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं। अगर इनकी संस्कृति दारू संस्कृति और दारू के बिना कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, अगर यही है तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, वो छत्तीसगढ़ की जनता इसका निर्णय करे। विपक्ष ने इस मुद्दे को तूल दिया तो उधर सरकार ने कहा संस्कृति मंत्री के बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखती। सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि शराब वितरण बिक्री को लेकर जिला प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत थी। मेनपाट का उत्सव था, वहाँ अगर इस तरीके से हुआ, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में आया, मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन को देखना भी चाहिए और नियंत्रण करना चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए। वैसे तो सरकार का छत्तीसगढ़ में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर रहा है, लेकिन मेनपाट महोत्सव की व्यवस्था ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार शराबबंदी और स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने की नीति पर चल रही है, लेकिन इन दोनों ही बातों पर मेनपाट महोत्सव के आयोजन से सवाल खड़े हो गए हैं। रही सही कसर मंत्री जी के बयान ने पूरी कर दी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज।